हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं बनाऊंगी हंगामा चिकन राइस, बहुत ही टेस्टी और यम्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बोनलेस चिकन ली है, जिसके छोटे पीस कर लिए हैं। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, डेढ़ चम्मच चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर और एक चम्मच मैदा। इसे करेंगे मिक्स। जरूरत लगे तो आप से एक से डेढ़ चम्मच पानी भी यूज कर सकते हो। चिकन हमारी फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ ऑयल भी गर्म हो गया है, तो हम अब चिकन को फ्राई करेंगे। आपके घर मेहमान या कोई आए तो आप ये राइस बनाएंगे तो उनको भी बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही टेस्टी राइस है। सारी चिकन को इसी तरह से फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। अब यहाँ दो बाउल में मैंने थोड़े थोड़े चावल ले लिए हैं उबले हुए, जिसमें एक बाउल में हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर और इसे मिक्स करेंगे। और दूसरे बाउल में डालेंगे येलो फूड कलर और इसे भी मिक्स करेंगे। ये राइस रेडी है। अब हम राइस प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे दो बड़े चम्मच ऑयल। सबसे पहले डालेंगे कटा हुआ लहसुन एक बड़ा चम्मच। इसके बाद डालेंगे कटा हुआ हरा प्याज, वो भी दो चम्मच। इसमें व्हाइट पार्ट भी लिया है। और फिर डालेंगे ग्रीन कैप्सिकम और गाजर, वो भी कटा हुआ है। सारी चीजों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर डालेंगे ये गार्लिक और चिली पेस्ट। लाल मिर्च को पानी में भिगो दिया था, फिर इसका पेस्ट बना लिया है गार्लिक डाल के। फिर डालेंगे एक चम्मच चिली सॉस और ये है विनेगर में डिप की हुई हरी मिर्च। विनेगर में मिर्च को मैंने काट के थोड़ी देर रखा था, तो वो भी यूज़ करेंगे। एक हरी मिर्च है और एक चम्मच विनेगर है। इसके बाद डालेंगे एक चम्मच टोमेटो केचप और इसके बाद ये फ्राई की हुई चिकन। अगर चिकन के पीस बड़े हैं तो आप इसे टुकड़े में भी काट सकते हो दो पार्ट में। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के हिसाब से चावल केसे का नमक। सारी चीजें मिक्स करेंगे और फिर बॉईल किए हुए राइस और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको अगर पसंद हो तो आप इसमें एक का भी यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया राइस बनेंगे फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी है और दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा प्याज डालेंगे और लास्ट में डालेंगे ये हमने जो कलर वाले चावल रखे थे वो ग्रीन एंड येलो, और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथों से मिक्स करना है। देखिए कितने अच्छे कलरफुल राइस लग रहे हैं ना। बस तो ये रेडी है। इसे आप फटाफट सर्व कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।